अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों को अच्छा रहना भी चाहिए। तो दोस्तों, बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है। गर्मियों के मौसम में जितना गर्मी नहीं होता है उतना गर्मी अभी हो रहा है। और आप लोग देख सकते हैं, नहीं अभी मतलब शाम का टाइम है और आप लोग देख सकते हैं, मतलब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए बहुत ज्यादा धूप है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, और मैं आप लोगों को आज हम लोग के घर में, हम लोग का जो बाथरूम है ना, छोटा सा भी जैसा भी है, उसमें भाई लोग कलर करने वाले हैं। मैं इस ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी और ब्लॉग जैसा भी होगा मैं आप लोगों को मतलब आगे दिखाऊंगा, आप लोग देखिए, इंटरेस्टिंग होगा। और एक भाई है, कभी नहीं आया मेरे ब्लॉग में, वो आज आएगा पहली बार। तो पहले शर्मा रहा था, आज बोल रहा है कि ब्लॉग में आना है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ब्लॉग बना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और बाबू सो चुका है, बाबू को सुला दिया है। अभी टाइम हो रहा है दोपहर, मतलब बोल सकते हो, और 2 बज रहा है। तो अब मैं ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने सोचा कि कुछ नया हो रहा है घर में, अच्छा हो रहा है, तो ब्लॉग बना लिया जाए, आप लोगों को बता दिया जाए। तो मैं यहाँ पर ऐसे नीचे बैठ गई और छोटी वाली सिस्टर जो आई थी सुबह, वो अभी चले गई घर में नहाने के लिए, खाना खाने के लिए। तो मैं ये ब्लॉग अभी स्टार्ट कर रही हूँ और आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। भाई लोग कर रहे हैं कलर। क्या बोला तूने? भाई लोग ऐसा लग रहा है आप उन लोग भाई लोग। और दोस्तों, मैं आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ, भूल रही हूँ और अभी बता देती हूँ। आप लोग को कुछ डिफरेंस दिख रहा है दोनों आईब्रो में? नहीं, शायद दिख रहा होगा। ये थोड़ा स्मूथ लग रहा है, ये थोड़ा सा मतलब बिखरा हुआ लग रहा है ना, क्योंकि उस दिन मैं आईब्रो कर रही थी ना, एक करके बाबू मतलब फिर रोने लगा और मैंने छोड़ दिया, तो दूसरा रह गया। कभी करूंगी दोनों। और इतना भी मतलब नहीं दिखता है डिफरेंस, थोड़ा सा दिख रहा है ये नीचे जो उठा है ना, ये वाला, और ये वाला थोड़ा सा क्या, मैं खुद करती हूँ। आप लोगों को अगर मतलब देखना है मैं कैसे अपना आईब्रो शेप करती हूँ, तो आप लोग बोलिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं बना दूंगी आईब्रो वाला वीडियो कैसे करती हूँ, खुद ब खुद करती हूँ। और बहुत पहले करती थी पार्लर में जाके, अभी तो खुद ब खुद ही करती हूँ। बहुत ज्यादा पसीना हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ज्यादा बकर बकर करने से ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। इधर मैं गई थी ना रोशनी के लिए और बातें करूंगी बाबू के पास, तो बाबू उठ जाएगा ना, तो इसलिए उस रूम में गई थी मैं। कलर मिक्स कर रहे हैं बाथरूम का, आज कलर कर रहे हैं। ये देखिए, इधर थोड़ा सा कर लिया, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए, इधर गाना चल रहा है, चार्जिंग पे लगा हुआ है, और ये कलर कर रहे हैं। और ये तो भाई मेरा, लोगों ने देखा होगा दूसरे वीडियो में, इस पे मिक्स किया है। और यहाँ पे होने वाला है, यहाँ पर भी करेंगे पूरा होने के बाद, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ये हो रहा है आज। मैं सोचा आप लोगों को दिखा दूं, यही तो होता है ना डेली ब्लॉग। आप लोग ऐसा और कुछ मत बोलिए मुझे कि मैं ये भी दिखा रही हूँ। ये कलर मैच करेगा क्या इसके साथ? हाँ, कर लेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ दोस्तों कि ना, ये कलर ना पहले से था घर में, तो ये अभी खत्म हो गया, तो भाई ने दूसरा कलर लाया है, पिंक ही लाया है। मैं बोल पूछ रही थी भाई से, ये मैच करेगा क्या? मतलब दूसरी कंपनी का है ये, थोड़ा सा मुझे डार्क लग रहा है लाइट, मतलब पहले वाला थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, शायद सूखने के बाद मैच हो जाएगा। ये देखिए, साथ साथ पेट पूजा भी हो रहा है। और भाई बहुत पसीने से लथपथ हो चुका है, पूरा टी शर्ट भीग चुका है। इधर भी अपने अपना एप्पल कहाँ रखा? जर्मी अभी नहीं खाएगा ये वाला, भाई बोल रहा है कि बाद में खाएगा। बहुत अच्छा लगता है ना जब मतलब कलर पुराना हो जाता है नया से, नया करके करने के बाद नया लुक आ जाता है, लगता है कि मतलब नया फिर से बनाया है। बार बार नया नया बोल रही हूँ मैं। ये तो अभी मतलब कलर लग जाएगा ना कपड़े में, इसलिए
भाई ने नीचे गमछा डाला है टी शर्ट के साथ और ये वाला भाई ने शॉर्ट डाला है, तो मैं नीचे नहीं कर रही हूँ, बोल रहा है कि आप नीचे मतलब कैमरा मत ले जाइए, शॉर्ट पैंट पहना है ना इसलिए। ये देखिए दोस्तों, बाबू उठ चुका है। कैसा दिख रहा है बाबू? मतलब नींद से उठने को ऐसा ही दिखते हैं ना बच्चे लोग, मतलब बड़े इंसान भी कुछ अलग दिखते हैं ना, थोड़ा सा मुंह फुला फुला सा। और ये देखिए क्या कर रहा है बाबू, अभी अभी उठा है नींद से बाबू, हंस रहा है। ठीक है बाबू, मतलब मेरे बाबू छोटे मतलब हंसा रहा है ना, तो बाबू हंस रहा था। और काम अभी भी चालू है, भाई लोग कर रहे हैं। फिर बार बार मैं भाई लोग को बोल रही हूँ, दो भाई है ना इसलिए भाई लोग बोल रहा है। और उनका कितना तक हुआ है काम में आप लोगों को दिखाती हूँ, चलिए। ये देखिए काम कितना तक, मतलब बाथरूम में तो कोई भी फैन नहीं लगाता है ना, तो ये देखिए ये इधर ये टेबल फैन दिया है उन लोगों को, थोड़ा थोड़ा लग रहा है। और कलर इतना तक हुआ है, अभी छत का भी हो रहा है। ये बड़ा वाला भाई मतलब मेरा छोटा है, मेरा भाई से बड़ा है इसलिए मैं बड़ा बोल रही हूँ। ये लंबू है पर मुझसे छोटा एज में, ये कर रहा है छत। और ये छोटा वाला अभी भी वॉल पे कर रहा है, जो अच्छे से छोटा छोटा जो बारीकी से कर रहा है बचा हुआ जो, इतना तक हुआ है। लगता बहुत आसान है पर आसान नहीं, कुछ भी काम आसान नहीं है। Oh, no. अभी थोड़ी देर पहले दोनों भाई ने ब्रेक लिया था, खाना खाया, घर पे बना हुआ है जो मुर्गी और कद्दू का सब्जी और चावल। हम लोग तो चावल ही खाते हैं, असम के लोग ज्यादातर चावल ही खाते हैं, रोटी वोटी नहीं खाते, नाश्ते में कभी कभी खाते हैं रोटी। और इधर चावल रखा हुआ है, इसमें चावल बहुत थोड़ा सा है क्योंकि सबने खा लिया है, भाई ने और अम्मी जी ने सबने। ये बाबू का सब्जी रखा हुआ है, मैं ही बची हूँ तो ये थोड़ा सा दिख रहा है आप लोगों को। और इधर है जी जो मैंने बोला था कद्दू का सालन जो चिकन के साथ बनाया है, ये देखिए ये। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? मैं आशा करता हूँ सब अच्छा होंगे, आशा करती हूँ क्योंकि आप लड़की हो। तो दोस्तों ये देखिए मेरी सिस्टर आ चुकी है नहा बहा के, खाना खा के। अभी शाम का वक्त हो रहा है, कितना बज रहा है? 3:30 बज रहा है, शाम भी बोल सकते हो। और बाबू ने इधर पानी गिरा दिया इसलिए ये भीगा लग रहा है। और कैसे एक ध्यान से किधर देख रहा है पता नहीं, इधर ये मुर्गी देख रहा है, आओ 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 बुलाता है मुर्गी को, है ना बाबू? अच्छा रहा है बाबू। और इधर देखिए बाबू को क्या हो गया ना, गर्मी की वजह से रशेस ये देखिए लाल लाल, शायद आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा, पाउडर दिया इसलिए बहुत ज्यादा। और बाबू और इधर इधर देखिए, ये देखिए इधर दिख रहा होगा, हिल रहा है बाबू, ये देखिए लाल लाल, हाँ इधर दिख रहा है, टाटा, ये हाथ से बोलता है बाबू, टाटा टाटा। मुर्गी को बुला रहा है, आ आ आ ऐसा बुला रहा है, दो इधर व्हाइट मुर्गी है ना, मैं दिखाती हूँ। आ आ आ आ क्यों रे, क्या कर रही हो, बुलाते हैं क्या मुर्गी को? ये सब मैं डालूंगी, नहीं कट करूंगी। अभी असर का अजान भी हो चुका है ना, बाबू को मैं मार दूंगा, मार दूंगी, लड़की हो ना आप, मार दूंगी। पर क्यों? बाबू के मुझे ऊपर गलती किया इसने, बाबू ने गलती किया, क्या गलती किया बाबू ने? मुझे तो बहुत बड़ी गलती की, आपको नहीं बताऊंगा, आप लोग थोड़ा रुक के मैं आती हूँ। आप जा सके हो? गर्मी के वजह से क्या हो रहा है, मतलब सिस्टर बोल रही है ना, ये बांध दिया था बाल, कैसे दिख रही है गर्मी के वजह से? तो बाबू क्या हो गया, क्यों मेरे पास आना,
बाबू को लेके लड़ाई कर रहे हैं हम लोग, ये इसे लेना है उसे लेना है। तो सिस्टर ने बंगाली में बोल दिया था ना, झगड़ा कर रही है, तो बोल रही है कि मैं क्या बोल रही हूँ, झगड़ा बोल दिया। कुछ नहीं होता है, समझेंगे जो बंगाली समझते हैं वो लोग समझेंगे। हम लोग असम से, हम लोग का लैंग्वेज बंगाली है। कभी काला हो रहा है, कभी सफेद हो रहा है। सिस्टर ने तो नहा लिया है, मैंने अभी तक नहीं नहाया है। मेरी सूरत से लग रहा है क्या? हूँ नहा लिया, नहीं नहाया तो अभी आप सूरत से देख रहे हैं नहा लिए, क्योंकि मतलब आपने नहीं नहाया। हाँ मतलब सिस्टर बोलना चाहते कि ना दिखने में लग रहा है मैंने नहा लिया है, पर मैंने सच में नहीं नहाया, ये बोल रही। बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है, तो चलते हैं घर पे या यहाँ पे टहलेंगे। तो ये मतलब अभी शूट करना बंद करते क्योंकि वो ब्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाओगे। और हम लोग अभी हवा ववा कुछ नहीं चल रहा है, ये देखिए बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है। कुछ नहीं, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है। तो दोस्तों ये देखिए कंप्लीट हो चुका है कलर सब, अभी सूखने का बाकी है। ये देखिए पूरा मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, भाई इधर हाथ धो रहा है, और बड़ा वाला जो भाई है वो घर चला गया है, वो अंकल का बेटा है, चचेरा भाई है।